अस्सलाम वालेकुम जी। कल की वीडियो के बिहाइंड द सीन भी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और वीडियो हम शूट कैसे करते हैं एक एक चीज वीडियो में बताई है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। किसको लौटे आई हूँ? बाकी मेरे पास थे। मैं बस ऑर्डर प्लेस करने लगी। अगला डायलॉग आपने बोलना सी? आपने कहना था अल्लाह करे तुम्हारी स्किन भी अच्छी हो। मैंने कहा है ये नहीं, आपने एक चलो तुम मेरा वेट ना करो, तुम अपना बोलती जाओ यार। अजीब नहीं लगेगा उसके बाद मैं ऐसे ही आपको डिटेल बताना शुरू। मुकद्दस तेरा दुपट्टा है पियो यार, अड्डी तेरे चक्कर लंदी ते केड़ा रोना सी, मेरा दुपट्टा है। नहीं इसको शूट करना है, मेरा वहां से सीन आ रहा है। सही आ रहे दोनों का। और यहाँ मैंने जब शाम से कैमरा मांगा कि वो किस अच्छा। एंगल से शूट कर रहा है तो आगे जनाब ने रिकॉर्डिंग का बटन ऑन ही नहीं था किया हुआ। रिकॉर्डिंग तो प्रोजेक्ट तो सिर्फ इन्हों करी मैं उनको आ जैसा। हाँ नहीं तो मैं रोक देता, नहीं तो तू तो मेरा सीन का पट्टा पाऊंगा। आखिरी बार दे देना बस 2000। नस चम करते सिथो, चल मैं तुम्हें जुत्ती लाने लगी। नस सिथो नस। ऑब्जेक्ट जी ना मेरी फ्रेंड। चल नस नहीं 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 पैसे नस नहीं है। और शुक्र है कि यहाँ पर मुकद्दस की जो कैमरा मशीन था वो मैंने यहाँ पर चला दिया, उसकी हंसी नहीं निकली थी। अच्छा जी यहाँ पर मैंने दिखाना था सीन में कि हमें डिलीवरी रिसीव हुई नेक्स्ट डे, लेकिन जब ये शूट वगैरह कर चुके तो हमें पता चला कि ईशा ऑर्गेनिक्स वाले जो हैं वो TCS की जो बेस्ट सर्विस है पाकिस्तान की उससे प्रोडक्ट्स जो है वो डिलीवर करते हैं। शुक्र है कि मेरा PR जो था थोड़ी देर बाद TCS कंपनी की तरफ से मुझे रिसीव हुआ। भाई साहब की मिन्नत की कि भाई साहब थोड़ा सा शॉट लेना है, शाम को सारा समझाया हुआ था, उसको कहा कि आपने ये लेकर पैसे उनको देने हैं। और जनाब ने जब पॉकेट में हाथ डाला तो आगे उसके पास पैसे कोई नहीं थे। यहाँ पर मैंने सीन कट कर दिया और ये वाला जो सीन है अभी आप देखें, जब अभी डोर ही शाम खोलेगा मिरर से आपको नज़र आ रहा होगा पीछे सनलाइट है, ठीक है। अब मुझे ये था कि ज़ाहिर है डे टाइम में किट आई है तो मैं डे का इफ़ेक्ट आए, मैं डे में शूट कर लूँ। बट इस एक सीन को शूट करते हुए इतना मुकद्दस ने और इसने ज़ाहिर है ये भी इनको इतना प्रैक्टिस नहीं थी, कभी मुझे कॉल आ जाती थी, मुझे काम पड़ जाता था। अभी आप देखें जब फाइनल शॉट हमने लिया था ना तो पीछे फुल अंधेरा हो चुका था। चलें खुदा खुदा करके ये वाला सीन भी हुआ और फाइनल जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस तरह फिर बच्चों को समझाती हूँ सारा। आज शाम और कल की हमारी वीडियो जो थी वो ईशा ऑर्गेनिक्स के फेशियल किट के ऊपर और जो इन्होंने फेस वॉशेस न्यू लॉन्च किए हैं, जितनी स्किन के प्रॉब्लम्स है अकॉर्डिंग टू डैट आपको वहाँ पर फेस वॉश भी मिल जाएगा और पूरी फेशियल किट्स भी मिल जाएगी। अच्छा इसकी एक मज़े की बात ये है ऑर्गेनिक है, हर कोई यूज़ कर सकता है, टीनएजर्स के लिए बिल्कुल सेफ़ है। 175 ml की एक तो प्रोडक्ट मिलती है, जो मुझे बस मजबूर किया ना इस प्रोडक्ट ने वीडियो बनाने के लिए वो इसके लिए बेस्ट पास ये थी कि एक तो अफोर्डेबल, दूसरा स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है, तीसरा जब उन्होंने न्यू लॉन्च किया है कहते हैं ना जान मार के कोई प्रोडक्ट बनी हो तो ये वो है। मैं कितने दिनों से यूज़ कर रही थी, आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा, मैंने अपनी फैमिली में भी सबको सेंड की और तब इसके ऊपर वीडियो बनाए मुकद्दस ने, मैंने हम सब ने यूज़ की तब। और इसकी प्राइस बहुत अफोर्डेबल है, एक एक चीज़ फिर इस तरीके से मैं सामने रखती हूँ और फिर उसे हैंड के ऊपर अप्लाई करके ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को भी पता हो कि इसकी फ्रेग्रेंस किस तरह है, किस तरह की ये निकल के मिलेगी और आपको भी ये चीज़ मिले। अगर कोई डिफरेंट मिल रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पर भी ऐड कर देती हूँ। अब बाकी के जो बिहाइंड द सीन है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जब मैं प्रोडक्ट सारी दिखा देती हूँ साथ ही मुकद्दस जब अप्लाई करती है, इसकी टोटल शूटिंग सेपरेट होती है, मैं ही ये भी शूट करती हूँ। अब मैंने यहाँ पर सारी शूटिंग की थी लेकिन वीडियो में तो आप लोगों को नज़र आ रहा था जैसे मैं इधर उधर हूँ, तो मुकद्दस जो है वो बिल्कुल फेशियल करके मेरे सामने आ गई है और जो उज़ैर के रूम में भी शूट हुआ था। ज़ाहिर है बच्चों को उसी टाइम बताना होता है अच्छा तुम ये बोलो ये बोलो, बहरहाल अभी आगे का देखें क्या हुआ। मैंने ना बस ऑनलाइन एक फेशियल का ऑर्डर कर लिया, मामा मुझे बिल्कुल पैसे नहीं दे रही। मेरे पास कोई नहीं है पैसे। होते हैं आपके पास, मैं उधार मांग रही हूँ ना, पापा ने मैं आपको दे दूंगी, पापा ने कभी मना नहीं ना किया। पापा कौन पूरे करते हैं ये नहीं था वैसे। मैं बना देती हूँ फिर जब तुम पैसे ले लोगी ना तो तुम कहना के अभी ना मैं पहले ऑर्डर कर लूँ ना तो फिर मैं आपको बना दूंगी, तो ज़रा वेट करें। चलो जल्दी करो ज़ैर बस हो गया।
आ जाओ जय भाई जी। एक तो शूटिंग में टाइम लगते ही है, लेकिन फिर मेरे बच्चों को राज़ी करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। इतना भी नहीं, लेकिन दो तीन दफ़ा कहती हूँ तो मान जाते हैं। अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे। बच्चे बहुत ही समझदार हैं, बड़ी हेल्प कर देते हैं। अब यहाँ पर जनाब उज़ैर ने जब ड्रॉअर खोला था उसमें ऑलरेडी पैसे पड़े थे, और जब ये पॉकेट से अपना पर्स निकाल रहा था तो वो फंस गया था। तो कहना मामा यहाँ से प्लीज़ कट कर दीजिएगा। अच्छा थोड़ा सा फेरू ना, वो रिंग लाइट उधर से नजर आ रही है। हाँ बस मना कर दिया था, नार पतली मुंदी पी होंगी चीजा मामा। लेकिन मैं ना कल कॉलेज गई थी ना, तो मेरी सारी फ्रेंड्स की स्किन बहुत अच्छी हुई थी। बेटा अपने माँ पे उदी आँखें लगते हो उड़ के, जेड़े बच्चे अपने माँ पे उदी आँखें लगते हैं ना, उन्हें चेहरे ते नूर आता है। नहीं मामा, वो ना उन्होंने ना इंस्टॉलमेंट्स की फेशियल की ऑर्डर की है। अच्छा फिर मैंने भी करनी है। आपने मुझे ना बस 2000 रुपए देने बस। फिर मुकद्दस मेरे को 1 रुपया नहीं, तेरी स्किन केयर वास्ते तो 1 रुपया। और यहाँ पे मुझे ख्याल आया कि थोड़ा ज्यादा ही हो गया, तो मैंने थोड़ी रिस्पेक्ट दी मुकद्दस को, आप कहना शुरू कर दिया। आखिरी बार दे देना बस 2000। नस मुकद्दस इत्थो चल, मैं तुझे जुत्ती लाने लगी। नस इत्थो नस। ऑफिसर जी ना मेरी फ्रेंड। चल नस नहीं 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 पैसे नस नहीं है। और ये एक सीन भी रिकॉर्ड करने में ना घंटे से ऊपर लग गया था, क्योंकि कभी मुकद्दस कुछ भूल जाती थी, मैं कुछ भूल जाती थी, ऊपर से कोई आ जाता था। मैंने यहाँ पर ट्राईपॉड पे मोबाइल लगाया हुआ था, एक में यहाँ से रिकॉर्डिंग हो रही थी और एक ये शाम के आपको हैंड्स नज़र आ रहे होंगे वो मुकद्दस का उधर से ले रहा था, जो कि फिर मैंने एडिटिंग इस तरीके से की थी कि आपको लग रहा था कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और इस एक शॉट के लिए भी ना बड़े ब्लंडर हुए, क्योंकि कबर्ड जब खोलती थी ना सामने से, तो वो शाम की कबर्ड थी, तो उसके अंदर से ना कपड़े नजर आ जाते थे, तो मैं कहती थी नहीं मुकद्दस इसे दोबारा बंद करो। फिर अच्छा वो सीन सही किया तो आवाज़ जो थी कभी आहिस्ता हो जाती थी, मतलब अब यहाँ से ये एक दफ़ा ना सीन काफ़ी अच्छा हुआ था। अब ये देखें, इसका पर्स जो था वो गिर जाता था, कभी कोई चीज़ गिर जाती थी, मतलब 10 दफ़ा हमने इसका रीटेक लिया। ये बड़ा अच्छा सीन हुआ, बट वो करने के बाद मैंने मुकद्दस का, मैंने कहा मुकद्दस एक दो जगह ना गन नज़र आई है, मैं उसकी एडिटिंग कैसे करूँगी। कहते हैं नहीं निकाला, सब कहेंगे मेरे रूम में गन है, इसे दोबारा जो है वो। और ये भी आप लोगों को बता दिया कि कल की वीडियो हमने ईशा ऑर्गेनिक्स के फेशियल्स पर बनाई थी, इनका रिव्यू आप लोगों को दिया था, काफ़ी दिनों से हम लोग यूज़ कर रहे थे और चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। मैं लिंक्स लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग भी जाकर ज़रूर विजिट कीजिएगा, एक दफ़ा यूज़ करके मेरे साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। और प्रोडक्ट्स को मैं इस तरह सारी डिटेल में, अच्छा ये वाले सीन मैंने सारे ड्राइंग रूम में लिए थे नेक्स्ट डे, और इनकी एडिटिंग पूरी वीडियो की एडिटिंग के ऊपर मुझे 5 से 6 आवर्स कम अज़ कम लग जाते हैं। ठीक है, ये मैं ब्रांड्स भी सारे सुन लें कि कोई रिव्यू देना बिल्कुल आसान नहीं होता, शूटिंग का टाइम सेपरेट होता है और एडिटिंग जो है वो सारी सेपरेट होती है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर ये भी कर दीजिएगा। मैं और मुकद्दस इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।